हेलो देयर एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज स्पीडी लियो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये अपना RX 100 है एंड रिसेंटली हम लोग ने इसके अंदर ग्लैडिएटर का डिस्क डाला, तो इंस्टॉलेशन वाला वीडियो मैंने बनाया एंड प्राइस वाला लिस्ट मैंने उसका ऊपर भी वीडियो बनाया। तो ये वाला वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड है डिस्क ब्रेक के ऊपर कि आप लोग को क्या क्या इसमें खर्चा आता है एंड आप लोग किधर अपना कॉस्ट बचा सकते हैं, तो आज उसके ऊपर टोटल वीडियो है। एंड अभी मैं इधर आया है उपवन का, यही वाला शांत लोकेशन अपने को मिलता है, लेकिन अभी भी बारिश की वजह से थोड़ा हवा चालू है, तो अगर विंड नॉइस आ रहा है तो थोड़ा उसको बेयर कर लीजिए। आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पूरा मैंने लिस्ट बनाया है तो आप लोग को एक एक करके मैं बताएगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द डिस्क। तो अभी डिस्क लेने के टाइम में आप लोग को जो चेक करने का वो ये रहता है कि जब भी आप डिस्क को ऐसा हाथ लगाते तो ना ऐसा कट नहीं रहना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, जो भी लोग डिस्क को प्रॉपरली नहीं यूज़ करते, मतलब ब्रेक पैड्स बराबर टाइम पे नहीं चेंज करते, तो डिस्क में ऐसा एक लाइन आ जाता है। आप लोग साइकिल व्हीकल भी चलाते रहेंगे तो उनको भी मालूम रहेगा कि रिम कैसा एक कट जाता है एक टाइम के बाद, वैसे ही डिस्क भी कट जाता है। तो आप लोग को वैसा नहीं लेने का, एकदम प्लेन रहना चाहिए। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग, ये आपको चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आउटर ट्यूब्स। तो मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे कि आपके डिस्क में, आपके सेटअप में आपने आगे वाला सस्पेंशन का कैसा काम किया, तो मैं आप लोग को बता दूं, ये वाला ग्लैडिएटर के लिए जो आउटर ट्यूब आता है, जो जिसमें आप लोग देख सकते हैं कैलिपर के लिए जो पॉइंट आता है ये इधर पकड़ेगा, तो ये हर एक गाड़ी का अलग रहता है, पल्सर का अलग रहता है, अपाचे का अलग रहता है, तो ग्लैडिएटर का ये वाला आता है। तो अभी अपन ने इसमें कॉस्ट किधर बचा है मैं आप लोग को वो बताता है। सिर्फ ये आउटर ट्यूब्स मैंने खरीदा है, मतलब जो अपना सेटअप में आया, देख सकते आप लोग विंड सुन सकते। सो आउटर वाला ट्यूब अपन ने सिर्फ खरीदा है, इनर ट्यूब नहीं खरीदा, क्योंकि सिर्फ इनर ट्यूब लेने जाएंगे तो वो 4000 रुपया एक्स्ट्रा पड़ जाता है। एंड उसका रीज़न ऐसा है कि उसके अंदर आपको स्प्रिंग आएगा और उसका कुछ कुछ मैकेनिज्म रहता है, स्क्रू भी कुछ कुछ रहता है, उसकी वजह से वो महंगा पड़ता है। तो वो अपना ग्लैडिएटर का ये खास बात है कि डायरेक्ट जो जूना वाला इनर ट्यूब है वो डायरेक्ट फिट है इसके अंदर। एंड बहुत सारा वीडियो में आप लोग ने सुना भी रहेगा कि मेरा जो आगे वाला सस्पेंशन है उसमें खट खट करके एक आवाज़ आता है। तो उसको भी हम लोग ने सॉल्व किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया, वो बॉटम वाला पार्ट में हम लोग ने उसको वेल्डिंग किया था, वो कुछ तो किया था, वो अभी एग्जैक्ट मेरे को आइडिया मालूम नहीं है क्या किया था उसमें, छोटू भाई ने किया था। तो वो कोई आप मैकेनिक को बोल दो कि ऐसा कुछ वेल्डिंग वेल्डिंग करके कुछ आवाज़ सॉल्व होता है क्या, अगर आपके गाड़ी में वो इश्यू है तो, नहीं तो आपको कोई करने का ज़रूरत नहीं है। तो वो हम लोग ने किया, नया फोर्क ऑयल व्हील डाला उसके अंदर, तो वो मैं आप लोग को आगे बता देगा। तो ऐसे ही है, बहुत लोग बेचते हैं पूरा इनर ट्यूब के साथ में एंड कुछ कुछ लोग सिर्फ आउटर ट्यूब के साथ में बेचते हैं, तो आपको उधर बार्गेनिंग कर लेने का है कि उसने कितना प्राइस आपको बोला है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक जगह पे मार्केट में पूछा था, तो ये जन मेरे कोई एक जन मेरे को ये वाला सिर्फ आउटर ट्यूब 4000 में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 2000 से लेकर 2500 तक मिल जाना चाहिए आपको, तो वो एक कॉस्टिंग पड़ता है सिर्फ आउटर ट्यूब का। एंड जिसको भी डाउट है कि पूरा सेटअप कितने बना था, तो अभी आई बटन पे आ जाएगा, आप लोग उधर भी जाके देख सकते हैं कि टोटल डिस्क का सेटअप का कितना कॉस्टिंग आया था एंड ओवरऑल मेरा रेस्टोरेशन में कितना कॉस्टिंग आया था। सो दैट्स अबाउट द फोक्स एंड नाउ कमिंग टू कैलिपर। तो ये कैलिपर जैसे आप लोग देख सकते हैं बाइब्री का हम लोग ने डाला है, बाकी मोस्टली पब्लिक बाइब्री नहीं, वो जेनरिक वाला कुछ तो भी एक डालता है, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम, अगर आप लोग कोई है कमेंट्स में किसको आइडिया रहेगा कि कौन सा वाला कैलिपर लग जाता है तो कमेंट्स में बताओ, अपने व्यूअर लोग को हेल्प हो जाएगा। सो ये बाइब्री का अपन ने नया वाला कैलिपर उठाया है एंड इसमें गोल्ड कलर में पेंट किया है इसको, एक्चुअल में सिल्वर ब्लैक कलर में कुछ तो आता है, मैंने गोल्ड में करके लिया है उसको पेंटिंग। फिर उसके बाद स्पीड केबल। तो ये जैसे आप लोग देख सकते हैं ये अपना स्पीड केबल है, ये अभी इसके पीछे का मैं आप लोग को बताता है कैसा है। इसमें अपन ने डाला है ग्लैडिएटर का जो एलॉय वाला जो वर्जन आता है वो, उसका स्पीड केबल है वो। एंड ये जो स्पीड वर्म आप लोग देख रहे हैं ये भी हम लोग ने लिया, स्पीड वॉर्म स्पीड वॉर्म एंड ये स्पीड केबल। ये बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा वाला है, तो ये स्पीड, इसको बोलते हैं स्पीड वॉर्म एंड तो वो था। फिर उसके बाद
ब्रेक लाइन, तो ये ब्रेक लाइन भी अपने को चाहिए। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा ऐसा क्रैक आया है इसके ऊपर। ये सिर्फ आउटर एक मतलब एडिशनल डाला है, एक्चुअल वाला केबल अंदर है, ये थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए उसमें डाला है। तो ये कैलिपर के लिए, बाइब्री का कैलिपर के लिए केबल एंड स्टेनलेस स्टील एलन की बोल्ट्स। ये वाला एलन की बोल्ट्स आपको भी चाहिए रहेगा, ये एंटी रस्ट वाला है, मतलब स्टेनलेस स्टील वाला है, तो ये ऐसा काम करता है। ओह माय गॉड डॉगो। सो दैट्स द स्टेनलेस की, स्टेनलेस स्टील एलन की बोल्ट्स 1, 2 एंड ये 6, टोटल 8। और उसके बाद आता है ग्लैडिएटर का हब। तो ये ग्लैडिएटर का हब है, इसके लिए अपने को स्पोक्स भी इसके लिए चाहिए रहता है, थोड़ा लंबा वाला। फिर उसके बाद ब्रेक ऑयल, इसमें अपने को डालने के लिए ब्रेक ऑयल लगता है। एंड न्यू 36 स्पोक्स, जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने, स्पोक्स लगा आगे 36 टोटल, आगे पीछे 72 हो गया, आगे 36 पीछे 36, तो सिर्फ आगे के लिए 36 लगता है। एंड स्पोक्स लेने के बाद आपको प्लेटिंग भी करना पड़ेगा उसका। तो ये सब का कॉस्टिंग आई बटन पे है, आप लोग को जैसे कि मैंने बताया वो कॉस्टिंग वाला वीडियो में आप लोग को पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किसका कितना कॉस्टिंग आया। एंड बजाज का ये मास्टर सिलेंडर, सो यही है, ये मास्टर सिलेंडर भी हम लोग को लेना पड़ा क्योंकि ये काम कर सकता है, अपना नॉर्मल वाला चलेगा नहीं इसके अंदर। सो गाइस टोटल इतना चीज़ आता है ग्लैडिएटर का सेटअप बनाने के लिए, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा है नहीं, तो यही है, आप लोग देख सकते हैं। एंड बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपने आगे का कुछ टायर चेंज किया क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल वही 18 इंच का अपना रिम है। एंड रिम कौन सा है, हीरो का रिम है ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हीरो। एंड 2.7518 आगे है एंड 3.0018 पीछे। एंड ये मिशलिन सिराज है, मिशलिन सिराज स्ट्रीट आगे पीछे, वन ऑफ द बेस्ट टायर्स फॉर RX। सो या गाइस ये था कुछ अबाउट द पार्ट्स दैट यू नीड टू इंस्टॉल ग्लैडिएटर डिस्क ऑन द RX 100 और RX 135। और अगर आपको और भी कुछ डाउट है रिगार्डिंग दिस सेटअप, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट्स या फिर क्वेरीज है रिगार्डिंग द RX 100, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं आप लोग। एंड नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेगा कि ग्लैडिएटर वर्सेस पल्सर वर्सेस अपाचे वाला एक कंपैरिजन कर दूँ, तो आप लोग को और एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। बस प्रॉब्लम ऐसा है कि ये बारिश का टाइम है ना, तो इसकी वजह से बाहर निकलने को मिलता नहीं है, जैसे कि आप लोग को मालूम है थाने वाले पीपल कितना बारिश हो रहा है ज़बरदस्त, एक हफ्ते से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, अभी भी हवा चल रहा है ज़ोर ज़ोर से। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू अ वीडियो। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू ऑल एन्जॉयड। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर करो। सो दिस इज PD Leo साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर एंड पीस।